टीवी इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली राजनीति में कदम रख चुकी हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। रूपाली फिलहाल अनुपमा सीरियल का हिस्सा है। रूपाली के साथ ही फिल्म डायरेक्टर अमय जोशी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। अमय ने कई मराठी फिल्में डायरेक्ट की है। दिल्ली हेडक्वार्टर में रूपाली ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ली। एक्ट्रेस ने इस मौके पर कहा, मैंने जब इस विकास के महायज्ञ को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मुझे आप सबकी आशीर्वाद और साथ की जरूरत है। बस जो भी मैं करूँ वो सही और अच्छा हो। मोदी जी वो व्यक्तित्व है जो सभी को साथ रखते हैं। जो लोग भाजपा से कई साल पहले से नहीं जुड़े हैं उन सबको वो एक साथ लेकर आते हैं। उनका काम करने का तरीका, उनकी पर्सनैलिटी, वो जिस तरह से विकास की ओर भारत को ले गए हैं, वो सब देखकर हर भारतीय को यही लगता है कि काश मैं भी मोदी जी की सेना में शामिल हो जाऊं, मैं भी कुछ ना कुछ करूं अपनी तरफ से अपने देश के लिए। मैं यही फील करती हूं, इसलिए मैं इस पार्टी में शामिल हो गई हूं। रूपाली फिलहाल अनुपमा सीरियल से टीवी इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। शो में वो लीड कैरेक्टर अनुपमा का रोल निभा रही हैं। फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं। रूपाली की पॉपुलैरिटी जबरदस्त है। उन्हें इंस्टाग्राम पर 2.9 मिलियन यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। बीते दिन ही एक्ट्रेस ने मुंबई में अपना 47वां जन्मदिन भी मनाया था। तो ये दोस्तों एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।